व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जोगान एक डोजोत्सु ना होकर एक सील है। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले इस महीने 50 सब्स का जो टारगेट है उसे पूरा कर देना, बस थोड़ा ही दूर है। लाइक का बटन दबा देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नया वाला इंट्रो लगा दो यार। हम सभी को पता है कि जोगान बोरुटो को ऐसे ही नहीं मिला। टोनी रे ने बोरुटो को जोगान दिया था सो एज टू प्रोटेक्ट द फेट ऑफ द वर्ल्ड। और जब कैमरा बोरुटो के जोगान पर जूम होता है तब हम लोग देखते हैं एक रेड आईड बीस्ट। ये बीस्ट कौन है ये हमें कंफर्म नहीं बताया गया है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यही है जो कि इस वर्ल्ड का फेट आगे बढ़ा रहा है। और टोनी रे ने इसी से फाइट करने के लिए बोरुटो को जोगान दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जोगान कैसे एक डोजुत्सु ना होकर एक सील है। हमने देखा बोरुटो का जोगान और गॉड ओत्सुत्सु का जोगान बिल्कुल सेम है। और गॉड ओत्सुत्सु की हो सकता है इन्हीं बीस्ट को पकड़ने के लिए या फिर इनसे बचने के लिए इन्हें एक आई में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सो एज टू कंजर्व देयर पावर फॉर द फ्यूचर यूजेस। ये जरूर हो सकता है कि गॉड ओत्सुत्सु की जिसके पास हजारों आंखें हैं वो इन बीस्ट को एक आई में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने पावर के लिए उन्हें अपने पास कलेक्ट करते रहते हैं सो एज टू कंटिन्यू देयर डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड। सारे ओत्सुत्सु की गॉड ओत्सुत्सु की बनना चाहते हैं सो एज टू कैप्चर द रेड आईड बीस्ट एंड कंजर्व देयर पावर टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर इन दिस नारुतो बोरुटो यूनिवर्स। अब जो मैंने ये खिचड़ी पकाया है उसे मैं एक छोटे से प्लेट में परोस देता हूँ। एवरी ओत्सुत्सु की वांट टू बिकम अ गॉड ओत्सुत्सु की टू कैप्चर द रेड आईड बीस्ट एंड मेक देम और कन्वर्ट देम इनटू जोगन अ सील दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉल्ड एज अ डोजुत्सु। फिर इस डोजुत्सु को या फिर इस आई को गॉड ओत्सुत्सु की अपने पास रख लेते हैं जस्ट टू मेक देम मोर पावरफुल टू क्रिएट मोर डोमिनेंस ओवर द यूनिवर्स फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। ये तो बात हो गई कि जोगन क्या है। अब बात कर लेते हैं कि बोरुटो के पास जोगन क्यों है। पहले तो हम लोग ये मान सकते हैं कि टोनी रे ने बहुत सोच समझ कर ही बोरुटो को जोगन दिया है, क्योंकि हो सकता है उसे पता हो कि कुरामा और रिनेगन तो जाने ही वाला है तो फ्यूचर हीरो तो हमारा बोरुटो ही होने वाला है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए टोनी रे ने जोगन बोरुटो को दे दिया। लेकिन किसी ने ये सोचा कि टोनी रे के पास जोगन आया कहाँ से? ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने सोचा होगा, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक थ्योरी है तो मैं इसे एक स्टोरी के रूप में एक्सप्लेन करूंगा। दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से एक ग्रुप है रेड आईड बीस्ट और एक और है ओत्सुत्सुकीज। इन दोनों में हजारों सालों से फाइट चल रही है और ये दोनों ही ग्रुप्स अपने आप को ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि वो इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। इस चीज को कंटिन्यू करते हुए ये लोग बहुत सालों से लड़ रहे हैं और हो सकता है एक रेड आईड बीस्ट मून पर आ गया हो और टोनी रे और बाकी जो भी हैं मून को प्रोटेक्ट करने के लिए सो एज टू मेंटेन द सील ऑफ कागुया ओत्सुत्सु की वो लोग उस रेड आईड बीस्ट से बैटल कर रहे हैं और जीत भी जाए। समहाउ टोनी रे और बाकी जो भी हैं मून पर वो उस रेड आईड बीस्ट को हराने में सक्षम हो जाए और उसे एक जोगन आई में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाए। या फिर ये हो सकता है कि हामुरा ओत्सुत्सु की ने ये किया हो अपने टेंसे गान डोजुत्सु की वजह से। हामुरा ओत्सुत्सु की ने अपना पूरा चाक्रा उस रेड आईड बीस्ट को सील करने में लगा दिया हो और टोनी रे को उसका देखभाल करने के लिए छोड़ दिया हो। जब टोनी रे ये समझ जाता है कि अब उसका बैंड बजने वाला है बाय द हैंड ऑफ उराशिकी ओत्सुत्सु की तो उसने फ्यूचर को ध्यान रखते हुए बोरुटो को जोगन आई ट्रांसफर कर दी और ये सोचा कि बोरुटो ही है वो एक लौता रास्ता जिससे इस वर्ल्ड का फेट रोका जा सकता है। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को आई थिंक थोड़ा सा तो यकीन आ चुका होगा। जोगन असल में कोई डोजुत्सु नहीं है, असल में वो डोजुत्सु का रूप में एक रेड आईड बीस्ट है। उस रेड आईड बीस्ट को हमें हो सकता है फ्यूचर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और ये काफी ज्यादा डोप होगा। तुम लोग सोचो रेड आईड बीस्ट वर्सेस ओत्सुत्सुकीज, ओत्सुत्सुकीज वर्सेस शिनोबीज एंड शिनोबी वर्सेस रेड आईड बीस्ट। मतलब ये जो तीन जन एक साइकिल में घूम रहे हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ये वीडियो इतना तक ही था। अगर आपको और भी जोगन थ्योरीज चाहिए तो कोई एक जन कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। 50 सबसे हम थोड़े ही दूर हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।